दोस्तों महेश्वरी रसोई में आज मैं आप लोगों के लिए आलू की एक बहुत ही टेस्टी और आसान सी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू ज़्यादातर सभी लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन एक जैसे आलू की सब्जी खाते खाते अगर आप लोग बोर हो चुके हैं तो एकदम नए टेस्ट की और एकदम अलग तरीके से बनी हुई आलू की सब्जी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर देर किस बात की है, बहुत ही झटपट से सबकी फेवरेट आलू की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नए टेस्ट से आलू की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये चार बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आलू कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आलुओं को छील लिया और उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। अब बारी है आलुओं को कट करने की। उसके लिए बस आलू को थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम कट करेंगे। अगर आप ज़्यादा ही छोटे साइज के आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलूओं को आप साबुत भी रहने दे सकते हैं और उससे सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बस आलू को इस तरीके से काटा और इसी किचन नैपकिन में हम आलूओं को अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाएगा। और ये मैंने लिए हैं एक शिमला मिर्च जिसे पैटल में कट कर लिया है, और उसके साथ ही मैंने लिए हैं दो प्याज और बस उसे रफली सा मोटा मोटा सा कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है। इसी तरीके से लिए हैं तीन टमाटर और टमाटर भी रफली कट किए हैं, और ये लिया है एक बड़े साइज का प्याज जिसके इस तरीके से पैटल निकाल लिए हैं। बस यही इस सब्जी की एक खास बात है, जिससे आपको टेस्ट जो मिलेगा वो बहुत ही अलग और एकदम नया सा मिलेगा। और टमाटर में ही हम डाल देते हैं दो तीन हरी मिर्चें जिसे रफली सा कट कर लिया है, और ये ली 10-12 कलियां लहसुन की, वो भी डाल दी। टमाटर के साथ बस ऐसे ही डाल दें, क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। आधा इंच जितना अदरक का टुकड़ा वो भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो हमने ये टमाटर में सब चीज़ें डाली हैं इसे मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे। इसी तरीके से ये जो हमने प्याज लिया है जो रफली कट किया है उसे भी पीस लेंगे, और शिमला मिर्च और पैटल वाले प्याज को ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसी बीच जो ये आलू थे इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से सूख चुका है। तो फ्रेंड्स अब बारी है इसे फ्राई करने की। आप चाहें तो सैलो फ्राई कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑयल डालें और उलट पलट कर अच्छा सा, जब तक कि अच्छे सॉफ्ट ना हो जाएं, जब तक आप इसे फ्राई करें। और अगर आप इजी तरीके से बनाना चाहते हैं और आप डाइट कॉन्शियस नहीं हैं तो बस मेरी तरीके से इस तरीके से आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। आप जैसे भी बनाएंगे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। थोड़े से काजू लिए जिसे दूध में भिगो दिया, 10-15 मिनट तक इन्हें भी भीगने देंगे और उसके बाद इन्हें एकदम बारीक करके पेस्ट बना लेंगे। आलू को मैंने करीब 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और आलू बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन पूरी तरीके से निकालने से पहले एक बार आप अच्छे से चेक जरूर कर लें, क्योंकि सब्जी में जाने के बाद आलू अभी और ज़्यादा नहीं पकेंगे। नाइफ डाला है, इजीली इंसर्ट हो गया, यानी कि आलू बढ़िया पक गया है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और अभी ऑयल काफ़ी गर्म है तो बस इसमें हमने जो ये प्याज पैटल में कट करके रखा था वो भी डाल दिया। फ्रेंड्स प्याज को आप बस 1-1.5 मिनट ही पकाएं, इससे ज़्यादा अगर आप पकाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जी में वो वाला टेस्ट नहीं देगा जो आप चाहते हैं। तो बस 1-1.5 मिनट हुआ और आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी फ्रेश सा लग रहा है। तो बस इसे भी आलू के साथ उसी प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद फ्रेंड्स बारी है शिमला मिर्च को पकाने की, तो बस शिमला मिर्च भी डाल दी और इसे भी 1-1.5 मिनट पकाएंगे। इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो सूखी सी हो जाएगी। और देखिए 1-1.5 मिनट में शिमला मिर्च हल्की सी पक गई है, हल्की सी क्रंची है, और जो ओरिजिनल हरा कलर है वो भी है। तो यानी सब्जी में देखने में भी बढ़िया लगेगी, टेस्ट भी बढ़िया करेगी। तो अब बारी है सब्जी बनाने की, और सब्जी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल कढ़ाई में डाल दिया, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, और जीरे को बढ़िया सा पहले तड़का लेते हैं, और उसमें हम डालेंगे फिर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ और वो है बटर। फ्रेंड बिल्कुल 1 टीस्पून जितना मैंने बटर लिया है, लेकिन इससे जो सब्जी का टेस्ट आएगा वो गजब का आएगा। और बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, और जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट हुआ उसके अंदर हम डाल देते हैं प्याज का पेस्ट, और अच्छे से प्याज को भून लेंगे। 3-4 मिनट आप प्याज भूनने में ज़रूर दें। इस सब्जी में जो मेन टेस्ट आने वाला है वो भुनाई से आने वाला है, इसलिए बस आप थोड़ा सा समय सब्जी पर ज़रूर दें। और 3-4 मिनट तक हम इसने भून लिया, और उसके बाद डाल दी टमाटर की प्यूरी जिसे हमने मिक्सी में चला कर रखा है, और टमाटर के साथ ही डाल दिया 1 टीस्पून जितना नमक, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर,
एक टेबल स्पून जितना सूखा धनिया पाउडर और ये ली हाफ टी स्पून जितनी लाल मिर्चें और ये लिया है किचन किंग मसाला। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह गरम मसाला डाल सकते हैं या आपके पास कोई और मसाला है वो ट्राई कर सकते हैं। और अब हम मसाले को करीब 6 से 7 मिनट तक कंटिन्यूस हिलाते हुए भूनेंगे जब तक इसमें जितना भी ऑयल है जो वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, ये जो सब्जी होती है ये मान के चलिए आपको एकदम नए टेस्ट में मिलने वाली है। बहुत ही अमेजिंग और नया सा टेस्ट मिलेगा। लगातार भुना और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया एक टेबल स्पून जितना नॉर्मल घर का जमा हुआ गाढ़ा दही। इससे सब्जी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही इसे जो टेक्सचर मिलेगा वो भी बढ़िया मिलेगा। अब मिक्सी का जार में जो हमने काजू पीस के रखे थे वो भी डाल दिए। इससे जो हमारी सब्जी है काफ़ी रिच टेस्ट की हो जाएगी। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब देखिए जो हमने इसमें चिकनाई डाली थी अच्छे से रिलीज़ हो गई है। तो बस मिक्सी का जार धोकर वो पानी डाल दिया। मैंने इसमें करीब एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है और सहजी सब्जी में हल्का सा उबाल आया। हम ये बिल्कुल बढ़िया से तले हुए आलू डाल देंगे। आलूओं के साथ ही प्याज भी डाल देते हैं। ये शिमला मिर्च भी गई और ये देखिए क्या बढ़िया से हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो अब कवर करके करीब 5 मिनट तक पकाएंगे जिससे बढ़िया टेस्ट आपस में बढ़िया कम्बाइंड हो जाएंगे। और ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है और सब्जी भी बढ़िया सी पक चुकी है। तो अब कुछ और चीज़ें डालेंगे। उसमें मैंने लिया है कुछ टुकड़े पनीर के। मेरे पास पनीर था मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। हाफ टी स्पून गरम मसाला डाला और हाफ टी स्पून जितना डाल दिया अमचूर पाउडर और ये ली थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसे हाथ से क्रश करते हुए डाल देंगे। और इसके साथ ही डालेंगे एक्स्ट्रा फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया। और ये देखिए एकदम लाजवाब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। नॉर्मल आलू की सब्जी है परंतु जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग था, इसलिए आपको जो सब्जी का टेस्ट मिलने वाला है वो काफ़ी नया सा मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस सब्जी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।